अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब भाई खैरियत से होंगे। ले दोस्तों, आज माशाल्लाह साजिद भाई ना नीचे से बहुत गु़स्से में आए हैं। हम जानते हैं कि क्या वजह। साजिद भाई, क्या बात है, क्यों इतने गुस्से में हैं आप? और आशीष भाई खुडे वेले हो गए हैं यार। ये अब ये जो रह गए हैं, मैंने कहा इनको भी निकालो आज सारों को। भाई देखिए वेले किस तरह हो गए हैं जनाब जी। भाई तीन एक दफा नहीं जाते, सुबह उठ निकालो तब जाते हैं, रात को दाना डालने लगो फिर उठ पड़ते हैं। और मैं क्या, निकालो इनको बाहर भाई, जिन्होंने जाना चाहे पहले ही। आना जाना तो लगा ही रहना है, तो आप इस वजह से दलेर कबूतर बाज हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? अभी बहुत कबूतर दलेरी के साथ ही निकालूंगा बाहर। आज अच्छा, दलेरी के साथ ही सारे बाहर, आज सारे बाहर रहने दोस्तों। उस्ताद साजिद आज गुस्से में है, वो कह रहे हैं कबूतर अंदर रहने को ही नहीं देना, सारे बाहर निकाल देने हैं। अभी हम दोस्तों को दिखाते भी हैं कि कौन कौन से बाहर निकालते हैं, कितने कबूतर बाहर निकालते हैं, या ये सिर्फ बातें ही कर रहे हैं बैठ के सारे निकाल देने हैं। 35 कबूतर आज बाहर निकाल देने हैं। पहले देखते हैं, अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं कितने कबूतर आप निकालते हैं बाहर। कोई डर खौफ वाला बंदा नहीं है। चलो देखते हैं अभी दोस्तों को। लो दोस्तों, मैं आपको ना उस्ताद जी वो जरा एक काला बच्चा तो दिखाएं, जो सुबह सुबह एक हमारा बच्चा वापस आया है, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ही कमाल का बच्चा है जी, ये हमारे ना किसी दोस्त का बच्चा था, धर्मपुरे रहते हैं वो, ये उनका बच्चा था। तो वीडियो में उन्होंने देखा है, तो वीडियो में उन्होंने देखा है, ठहर जाए ज़रा, मैं पहले कुछ बता दूँ दोस्तों को, इसके पाँव साफ करें आप। वीडियो में उन्होंने देखा है अपना बच्चा, तो उन्होंने कहा साजिद भाई ये मेरा बच्चा है, इस तरह आपने पकड़ा है। तो हमने झूठ नहीं बोला, हमने कहा जी बिल्कुल पकड़ा है। तो उस वक्त ये हमारे पास उड़ना शुरू हो गया था बच्चा, और ये कबूतर उड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि कबूतर की कोई औकात नहीं है, तल्लक नहीं ख़राब होना चाहिए। हमने वो भाई को बुलाया है, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो इस चीज़ के गवाह हैं। हम उनको अपनी छत पर लेकर आए हैं, उनको बिठाया है, और ये बच्चा उस वक्त उड़ रहा था, ये बच्चा आके बैठा है। हमने कहा भाई ये उतरता है तो आपका बच्चा आप लेके जाइएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। वो काफ़ी देर बैठे रहे हैं, तकरीबन घंटा बैठे रहे हैं, बच्चा नहीं उतरा है। तो ये फिर शाम को वो चील पड़ी है उड़ते हुए, तो दोस्तों ये फिर दोबारा रात रह गया बच्चा, तो उसके बाद आया नहीं है। हमने भाई को बताया कि बच्चा आपका रह गया, तो शायद वो भाई को मजाक लग रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी ने ना इस बच्चे को खप्पे डाल के तो छोड़ा है। तो ये सुबह जब हम आए हैं तो जनाब ये जाल के ऊपर बैठा हुआ था। दोस्तों बड़ा ही कमाल का बच्चा है, इसका आपको शौक कराते हैं उस्ताद जी, खड़े हो के इस बच्चे का सही तरीके से आपने शौक करवाना है। बल्कि इसको मैं मोबाइल को ना ज़रा ऐसे उतार लेता हूँ, इस बच्चे का ना शौक करवाना है। ये देखें दोस्तों, इस बच्चे की आइज़ देखनी है आपने, ये देखें ज़रा आइज़ का शौक करें, क्या कमाल का यार, अल्लाह नज़रे बद से बचाए, बहुत खूबसूरत आइज़ है और कमाल की। इसके ये पर का शौक करें, ये देखें, किसी ने ये खप्पे डाला है, तीन तीन टुक्के हैं उसके, ये देखें। और बच्चे को ना जनाब जी छोड़ दिया, तो ये सुबह आ गया है। अब ये जो भाई हैं ना जिनका ये बच्चा था, हमारे भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये समझ लें कि उनकी तरफ से ना अब हमें गिफ्ट ही आ गया, अब नहीं ये देना बनता है। लेकिन कबूतर की कोई औकात नहीं है, तल्लक नहीं ख़राब होना चाहिए कबूतरबाजी के लिए दोस्तों। तो ये आना जाना लगा रहता है। आज देखें जी साजिद भाई बाहर निकालने लगे हैं कबूतर, बहुत सारे गुस्से में हैं। देखते हैं जी कितने कबूतर निकालते हैं उस्ताद जी, निकालने आप निकालें। लें दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। माशाल्लाह धूप हल्की हल्की निकल आई है, लेट धूप निकल रही है, और इस मौसम में आप भी जो लोग हमारे शौकीन भाई हैं, अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, मौसम ठीक नहीं है दोस्तों। और जो बेबी पिजन है ख़ास तौर पे, इनका बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। अभी तो एक निकाला है भाई, दो निकाले हैं, एक ही निकाला है भाई, एक निकाला है अभी, एक का है आपने अभी तो आपने। ये देखें दोस्तों, मैं साथ साथ दिखाता हूँ, ये बाहर कबूतर साथ छोड़ी जा रहे हैं। ये काला बच्चा ना निकालना आप भाई, नहीं नहीं पागल, ये देखें दोस्तों, नहीं जी छोड़ रहे हैं। आज उस्ताद का ना दिमाग खराब हुआ हुआ है, उस्ताद कह रहा है मैंने नहीं छोड़ना किसी को भी। ये देखें, ये आपको पता है सब भाइयों को कि नई छत बनाई है, तो कबूतर रोज दो तीन चार भाग रहे थे, आज गुस्से में आए हैं उस्ताद जी।
उस्ताद जी कह रहे मैंने निकालने ही निकालने हैं, मैंने नहीं टलना, जब तक मैं 30-40 कबूतर ना उड़ाऊं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। ये देखें दोस्तों, उस्ताद साहब जी छोड़ी जा रहे हैं बाहर कबूतर और इनका दिमाग हुआ हुआ ख़राब। तो अभी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे और कितने कबूतर छोड़ते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परिंदे हैं, और कुछ हमारे भाइयों का प्यार है यार, वो हमें गिफ्ट भेजते हैं, और नई छत है कुछ परचेज़ करने पड़ते हैं, हमने परचेज़ भी बड़े किए हैं, लेकिन दोस्तों जितने कबूतर परचेज़ किए हैं ना उनमें से ठहरा कोई नहीं, दो कबूतर गिजे हैं, उसके अलावा सब अपने अपने घरों में पहुँच गए हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये देखें, अब आज माफ़ी नहीं है इनको दोस्तों, जिसने जाना है जाए, जिसने रहना है रह जाए, जो चले गया उसको अल्लाह हाफिज़, जो रह गया वो हमारा है भाई। आज देखें उस्ताद साजिद बड़ी दिलेरी के साथ कबूतर छोड़ी जा रहे हैं बाहर, माफ़ी नहीं दे रहे, बस करें उस्ताद जी क्या हो गया, क्या हो गया, कितने छोड़ने हैं ऐसे ही, आप तो इतना गुस्सा ना करें। गुस्सा नहीं, आज देखी जाएगी राशिद भाई क्या दिलेरी के साथ कबूतर सारी जिंदगी की है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो दोस्तों, आज नहीं उस्ताद टल रहे, आज नहीं टल रहे, जाएंगे राशिद भाई सारे आज, और बस करें उस्ताद जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, बाद में ये ना हो सारी गेजे खाली हो जाए, खुडे खाली हो जाए, बाद में सर पकड़ के बैठ जाए यार, अल्लाह तो इंशाल्लाह देगा। और सब दोस्तों भाइयों हमारे लिए दुआ करनी है कि हमारे परिंदे पूरे हो जाए यार आज, बाकी आना जाना ये दिलेरी का काम है, आपको पता है, आप सब भाई शौकीन है, आप लोगों को पता है जो दिलेरी करता है, और करनी पड़ती है दिलेरी। ये देखें उस्ताद साजिद नहीं भाई आज नहीं टल रहा, ये लें जी, ये लें जी, ये लें जी, कोई पता नहीं कौन कौन से कबूतर बाहर निकाले जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें कितने कबूतर निकाल दिए हैं, ये एक है वो जनाब जी उसने पाँव नहीं लगाए हैं, और जो ऐसा कबूतर होता है ना पाँव नहीं लगाता तो वो वापस काम ही आया, जो बैठ जाते हैं घंटा, चलो उम्मीद होती है कि छत की पहचान की आ गया जी, बैठ गया, बैठ गया उस्ताद जी, खैर तो है, खैर तो है उस्ताद जी, खैर तो है। ले दोस्तों ये देखें जी, ये देखें जी माशाल्लाह बैठ गए हैं। अब मुझे नहीं पता कितने परिंदे बाहर उस्ताद ने छोड़ दिए हैं, उस्ताद ही गिन रहा है, मुझे तो कोई पता नहीं है, लेकिन ये देखें दोस्तों उस्ताद साजिद ना आज फुल दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। उस्ताद जी बस करें, कितने छोड़ दिए आ जाए आप, बस करें। मज़ा इंशाल्लाह आ जाएगा, थोड़ा देर आए, दुरुस्त आए, तैयारी करनी है तो थोड़ा आराम आराम से टाइम तो लगेगा। ये ले जी दोस्तों, ये ले जी, ये ले जी, आज नहीं उस्ताद साजिद ने नहीं बाज आना, आज आज उस्ताद जी बस करें, बहुत हो गई है, सारे दोस्त देख रहे हैं बहुत कबूतर छोड़ दिए हैं हमने, बस करें, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। ये देखें दोस्तों ऊपर माशाल्लाह टांपों के ऊपर काफ़ी परिंदे बैठ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 परिंदे बैठ गए हैं, बहुत हैं साजिद भाई। चलो इसमें से 2-3 तो हैं उस, वो तो हमारे गिड़ के बैठे हुए हैं, बाकी इतने 15-16 परिंदे निकाल दिया नहीं हूँ, इतने बहुत है, बाद में नज़र कौन रखेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा, अल्लाह पाक तो बेशक नज़र रखने वाला है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं हुई है, लेकिन परिंदों पे भी तो नज़र रखनी है। इधर तो दोस्तों कोई परिंदा पकड़ के देता ही नहीं है, बेईमान हो जाते हैं, हम किसी से लेने जाते भी नहीं है, वो सामने सिर्फ एक खालदी भाई है वो और एक कैसर भाई, इनके अलावा हम किसी के पास, हमारे सामने भी चले जाए कबूतर तो हम वापस नहीं लेने जाते। ले दोस्तों, ये ले जी, जी उस्ताद जी आज माशाल्लाह बड़ा जज्बा नजर आया, काफी दिनों बाद खैरियत तो है, अब बच्चे भी निकल जाएंगे, उस्ताद जी इधर आए जरा 2-3 मिनट बात करते हैं, आज आप में बहुत जज्बा नजर आ रहा है, क्या भाई निकाले बाहर तैयारी करें, वो क्या है इसका, इन्हीं के चक्करों में रहना है, इन्हीं के चक्करों में तो जाहिर ही बात है इन्हीं से प्यार होगा, दिल लगी होगी इनको, टाइम देंगे तो तैयारी होगी। 5 बच्चे और निकालो, पता नहीं क्या दिल कर रहा है, 5 बच्चे और निकालो राशिद भाई, बांध के निकाल लो, चलो वैसे नहीं छोड़ता, बांध के 5 बच्चे निकालो, मजा चले, 5 बच्चे निकाल लेते हैं, और आप ये
आपके जितने व्यूवर आपको देख रहे हैं, आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं भाइयों से अस्सलाम वालेकुम जी, सारे भाइयों को और सारे उस्तादों को, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? और माशाल्लाह आपके जानवर वगैरह ठीक हैं सब? तो दोस्तों बात यह है कि सर्दियाँ हैं, मौसम चेंज है, आपकी मेहरबानी कबूतरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो अपने, और कोशिश करो कि कबूतरों को गर्म पानी बना के दिया जाए हफ्ते में एक दो बार, वो भी मेरी बात सुनो, दाना अगर आप चेंज कर रही है, दाना आपको पता है आजकल जिस तरह मोट डलते हैं, एलसी डलती है, चने हैं, बीज हैं ये, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा भंग के बीज भी डाला करो बीच में, कबूतर वास्ते बहुत अच्छे होते हैं वो भी बीज भंग के, ये दाना बना के दोस्तों वो डालो, इंशाल्लाह आपको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दाना अच्छा डालना दोस्तों, दाने की नहीं वो करनी। तो राशिद भाई एक माती है मेरे दिल को लग रही है यार। चलें जी चलें जी, उस्ताद जी आपने नहीं बात आना, दिल को लग रही है, दिखाएं जी, ये देखें जी, ये माती इनके दिल को लगी है जी। उस्ताद जी मेरे बाहर आना है, बाहर आना है तो छोड़े फिर, हाँ जाएं कितनी दे ला राशिद भाई, छोड़ दे यार, छोड़े जी छोड़े छोड़े जी छोड़े, तो आप अपने व्यूअर को क्या पैगाम देना चाहेंगे उस्ताद जी? वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई दिलेरी के साथ कबूतरबाजी करा करो, दिलेरी के साथ, डर के नहीं, कबूतर जिसने जाना है उसने जाना ही जाना है, आज भी जाना महीने बाद भी जाना, जाओ जिसने जाना है। नहीं ऐसे ही है दोस्तों, इसी तरह आप सब भाइयों को साथ मिलके शौक चलता रहेगा, आपको शौक दिखाते रहेंगे। आपका भाई राशिद आपसे इजाज़त चाहता है, कल एक छोटी सी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।